तो सर एक और बॉक्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कौन सा पेड़ लगा हुआ है? फिलहाल ये मैंने बस लोगों के एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ एक चीज़। ये मेरा एक फोस्टर पेड़ है, लबड़ का फोस्टर पेड़ है। अच्छा, लबड़ का फोस्टर पेड़ है। इसकी मैक्सिमम प्राइस 5,000 रुपये लगा लें। 5,000 रुपये लगा लें। अच्छा, इसके नीचे मैंने अंडे रखे हुए हैं पेल फैलो के, ऑफलाइन के अपने, ठीक है। एक ही 2 नंबर केज है, उसके 5 अंडे हैं पेल फैलो ऑफलाइन के और 2 अंडे इसके अपने हैं। अच्छा, इसकी शुरू के मजे की बात यह है कि 3 बच्चे अभी शुरू के इसकी हैचिंग हुई है पेल फैलो की और माशाल्लाह तीनों पेल फैलो ऑफलाइन है। तीनों रेड आइज बच्चे हैं ये, और बाकी के एग्स हैं वो इसके दो इसके अपने हैं, 2 पेल फैलो के हैं। उनमें से भी मे बी पॉसिबल एक और पेल फैलो निकला है, 2 निकला है। अच्छा, मेरे पास एक पेयर था ग्रीन पेल फैलो का, था मेरे पास पेयर था ऑफलाइन का, उसने अभी लास्ट क्लच में 7 अंडे दिए माशाल्लाह। 5 उसने विजुअल पेल फैलो ऑफलाइन दिए और 2 स्प्लिट दिए। तो अब लोग बोलते हैं कि पेल फैलो की एवरेज अच्छी नहीं है, पेल फैलो सर्वाइव नहीं करता। तो भाई बात यह है सारी, एक लाइन आपके पास अच्छी हो, आपके घर का बर्ड प्रॉपर बना हुआ हो तो उसके हिसाब से वो अच्छा सर्वाइव भी करता है। और जो लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास 4-5 अंडे आते हैं उनमें से एक पेल फैलो निकलता है वो भी मर जाता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी, इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब आप फोस्टिंग कर रहे हैं ना तो आप ऐसे पेल के फोस्टिंग करें जिसका आपने पहले रिजल्ट देखा हो। ये मेरे पूरी एवरेज में 160 पेयरों के बीच में ये मेरा सबसे बेस्ट पेयर है जो मेरे पास 30 साल है, इस साल ब्रीड कर रहा है। और इसके जितने बच्चे अपने भी निकलते हैं वो मैं सेल नहीं करता, वो सारे बच्चे मैंने अपने पास लगाए हुए हैं। इनके सबसे बड़ी मज़ेदारी इस पेयर की ये, इसकी जितनी भी पट्टियाँ हैं वो फर्स्ट, मतलब उनका जो फर्स्ट क्लच होता है उसी में मैं उनको अंडे दूसरे अपने अच्छे फोस्टर पेयर के दे देता हूँ और वो माशाल्लाह बच्चे मुझे पाल के देती है। ये एक फ़ायदा होता है जो आपके फोस्टर पेयर होते हैं वो भी आपने, उनके लाइन देखना भी बहुत ज़रूरी है, आपने फोस्टर पेयर की लाइन देखना ज़रूरी होती है। असल में होता क्या है, देखिए सारा गेम होता है डे फर्स्ट से देखिए डे 5 तक का होता है बच्चे का। डे फर्स्ट में क्या होता है कि जो मदर होती है वो क्रॉप मिल्क देती है, जितना जिस मदर का क्रॉप मिल्क अच्छा होगा उतना ही वो बच्चे को अच्छा सर्वाइव करेगी। अब होता क्या है कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं वो क्रॉप मिल्क नहीं बनाते, उनकी मतलब एक होता ही नहीं है, एक अल्लाह ताला की तरफ से होती है, वो सलाहियत ही नहीं होती कि क्रॉप मिल्क वो बना सके। वो क्या होता है, वो प्रॉपर दाना फीड करवा देती है, मतलब जैसे दाना खाती है वही दाना ही फीड करवा देती है, तो वो बच्चे में वो सलाहियत नहीं होती कि वो दाना को हजम कर सके, तो वो बच्चा एक्सपायर से हो जाता है। तो और कुछ ऐसे होते हैं, बहुत से लोग अभी बीच में कह रहे थे बेबी को जो फीड हुई भी लेकिन बच्चा एक्सपायर, वो साबुत दाना फीड हुआ वो होता है, तो वो देखे छोटे बच्चे में ये सलाहियत नहीं होती कि वो साबुत दाने को हजम कर सके, वो क्रॉप मिल्क ही हजम करता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने क्रॉप मिल्क हुआ हुआ होता है मगर वो अच्छे तरीके से क्रॉप मिल्क बना हुआ नहीं होता, वो उसकी वजह से भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये हमेशा ये भी फोस्टर पेयर, जितना आप अच्छे बर्ड लेने के लिए देखते हैं ना, मतलब लाइन का देखते हैं, इतना ही फोस्टर पेयर देखने के, फोस्टर पेयर लेने के लिए भी लाइन का देखना ज़रूरी होता है कि जिस पेयर के नीचे आपने फोस्टिंग करनी है वो कल को आपको रिजल्ट देगा भी या नहीं देगा। तो ये थोड़ी ट्रिक होती हैं, अगर ये चीज़ें समझ में आ जाए तो लबड़ भी बहुत ही इतनी मज़ेदार, इतनी आसान है कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। नीचे के बीट करवाते हुए मज़ा आता है, मज़ा आता है, देखें आपको हर चीज़ से अबूल हासिल होता है। अभी ये जितने पेयर हैं मेरे पास एक स्टार्ट है, मुझे पता है इसमें से कौन सी पेयर की क्या नेचर है। अच्छा, मेरे पास कुछ 2-3 पेयर ऐसे भी हैं लुटीनों के जो छोटा बच्चा नहीं पालते, मुझे पता है कि नहीं पालते, अब वो मैं किसी और को दूंगा तो वो भी गलत है कि यार एक अगले को दूंगा, अगला पोस्टिंग के लिए लेके जा रहा है उसके बाद वो पलेंगे नहीं। अच्छा, उनके नीचे 5-6 दिन का बच्चा दे दो, वो ऐसे ज़बरदस्त पालते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, वो दूसरे पेयरों से भी अच्छे पालते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वो उस पेयर में ना छोटे बच्चे को फीड करवाने का नहीं है। अब होता क्या है, जो अच्छा पेरेंट्स होंगे ना वो छोटे बच्चे को खुद फीड करवाएंगे क्रॉप मिल्क, जब तक वो खुद अगर मांग नहीं रहा तब भी वो करवाएंगे उसको ज़बरदस्ती। और कुछ पेयरों में ये नहीं होती है, आदत ही नहीं होती है, बाय हैबिट होती नहीं है, वो जब तक बच्चा नहीं मांगता वो नहीं करवाते। तो वो जो मेरे पास कुछ 2 या 3 पेयर हैं मेरे पास ऐसे, उनमें वो हैबिट ही नहीं है कि वो फीड करवाएं, लुटीनों के मेरे पास पेयर हैं, तो उनके नीचे मैं 5-6 दिन का बच्चा देता हूँ माशाल्लाह, वो ऐसे 5-6 दिन का बच्चा क्योंकि फीड मांगना शुरू हो जाता है तो वो ऐसे पालता है 6-7 बच्चे एक एक पेयर मेरे पास पाल के दे रहा होता है।